बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एक फंक्शन का नाम है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट होती है। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सबसेट होती है। रियल सीक्वेंस, अब हम पढ़ते हैं रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके तमाम मेंबर्स का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से होता है। रियल सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके तमाम नंबर्स का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से होता है। अब हम पढ़ते हैं फिनाइट सीक्वेंस एंड इनफिनाइट सीक्वेंस। आपको पता है फिनाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसके बारे में जिसको हम गिन सकें, वो क्या कहलाती है? फिनाइट कहलाती है। अब अगर सीक्वेंस में जो डोमेन है उसमें मौजूद एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाएगी फिनाइट सीक्वेंस, और अगर सीक्वेंस में मौजूद एलिमेंट्स को आप नहीं गिन सकते तो वो सीक्वेंस कहलाएगी इनफिनिट सीक्वेंस। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपको पता है ये हमारी पहली एक्सरसाइज है 6.1। इस एक्सरसाइज में हमें कहा गया है सीक्वेंस की एक जनरल टर्म दी गई है और कहा गया है फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करें। तो सीक्वेंस की फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स लेने हैं। फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4। फर्स्ट टर्म के लिए इधर जनरल टर्म में हमने n की जगह 1 पुट कर देना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि a1, यहाँ पर n की जगह 1 लिया हमने तो ये a1 हमारे पास आ गया। फिर राइट साइड पर n की जगह 1 लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया राइट साइड को, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ गया? -1। तो ये जो -1 है ये गिवन सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। फिर सेकेंड टर्म के लिए हमने n को जनरल टर्म में 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे हम तो ये a2 बन जाएगा यानी सेकेंड टर्म, और राइट साइड पर n की जगह 2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल नंबर आ जाएगा। वो सिंगल नंबर क्या होगा? सेकेंड टर्म होगी। तो यहाँ पर वो किसके इक्वल आया है? 1 के इक्वल आया है। फिर टर्म थर्ड टर्म के लिए हमने यहाँ पर n को 3 ले लेना है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। फिर फोर्थ टर्म के लिए हमने यहाँ पर n को 4 ले लेना है, यानी कि जनरल टर्म में हमने n की जगह 4 पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा a4। राइट साइड पर यहाँ पर 2n लिखा हुआ है तो 2 और n की जगह पर भी 4 आ जाएगा। 2, 4 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, फिर -3 आ गया, सिंप्लीफाई किया 5 आ गया। तो हमने फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड कर ली। तो हमारे फर्स्ट टर्म क्या है? -1, सेकंड है 1, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 5। इनको इकट्ठा करके हमने लिख देना है। और यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना आपने कि ये जो तरतीब है टर्म्स की इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरतीब से ये टर्म्स आई हैं उसी तरतीब से आपने आंसर में लिखना है, ठीक। अब हम इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा बेटा, तो अब ये हमें देखें यहाँ पर जनरल टर्म दे दी है। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट टर्म के लिए इस जनरल टर्म में इनको 1 पुट करेंगे, सेकेंड टर्म के लिए इनको 2 पुट करेंगे, थर्ड टर्म के लिए इनको 3 पुट करेंगे, फोर्थ टर्म के लिए यहाँ पर इनको 4 पुट करेंगे। तब आप देखिए हमने सबसे पहले इनको 1 लिया, यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो 1 पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमें हासिल हुआ। अब -1 की पावर 1 का मतलब -1 है और 1 स्क्वायर का मतलब 1 है। इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास -1 आ गया। फिर हमने सेकेंड टर्म के लिए इस जगह पर n को 2 ले लिया, ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास
फोर आ गया। फिर थर्ड टर्म के लिए हमने इस जगह पर एन को थ्री ले लिया। थ्री लेने के बाद हमने यहाँ पर इसको सिंपलीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव नाइन। फिर फोर्थ टर्म के लिए हमने इधर एन को फोर ले लिया, सिंपलीफाई किया और आंसर आ गया हमारे पास 16। अब हमने फिर फोर टर्म्स फाइंड कर ली हैं। फर्स्ट टर्म नेगेटिव वन है, सेकंड टर्म फोर है, थर्ड टर्म नेगेटिव नाइन है, फोर्थ टर्म 16 है। अब इन तमाम टर्म्स को हम तरतीब के साथ लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।